आपके जीवन में सुख शांति बढ़ाना चाहते हो। आज संसार का हर एक आदमी चाहता है कि मेरे जीवन में सुख शांति बढ़ती रहे, मेरा जीवन सुखमय बने, मेरा जीवन शांतिमय बने। और तब जाके लिखा गया कि आप यदि आपके जीवन में सुख शांति बढ़ाना चाहते हो तो सुख शांति बढ़ाने का जबरदस्त फॉर्मूला एक ही है, थैंक्स गिविंग नेचर बना लो। हमारे नेचर को थैंक्स गिविंग नेचर बना लो। आज हमारा नेचर थैंक यू वाला नहीं, आज हमारा नेचर ऐसा है जब तक काम वो व्यक्ति से है तब तक हम उसके पीछे चलते हैं, लेकिन जब काम निपट जाए फिर हम धन्यवाद कहने के लिए भी नहीं रुकते, हम थैंक यू कहने के लिए भी नहीं रुकते। इसीलिए हमारे यहां लिखा गया कि समझ लेना, जीवन में सुख शांति बढ़ानी है सबसे सटीक फॉर्मूला है, जीवन का नेचर थैंक्स गिविंग नेचर बना लो। हम धन्यवाद अदा करते चले, थैंक्स गिविंग नेचर की बड़ी गजब की ताकत है, वो आपके जीवन में सुख शांति बढ़ाते। एक चीज समझ लेना, नीति कार्य लिखते हैं, जिस चीज के लिए आप धन्यवाद का भाव रखते हो वो चीज आपके जीवन में बढ़ती जाती है, और जिस चीज के लिए आप धन्यवाद का भाव नहीं रखते हो वो चीज आपके जीवन से घटती जाती है। समझ लेना, ये साइंस है, ये सिद्धांत है, ये माइंड साइंस है, ये संसार का सूत्र है, ये नीतिकार भगवंतों का सूत्र है। जहां जहां आपने धन्यवाद का भाव रखा वहां वहां आप देख लेना वो चीजें आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, और जहां जहां आपने धन्यवाद का भाव नहीं रखा वो चीजें आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटती जाएगी। अब घटाना या बढ़ाना हमारे हाथ में, जिसने सुख दिया उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखा सुख जीवन में बढ़ता जाए, और जिसने सुख दिया उसके प्रति धन्यवाद का भाव नहीं रखा निश्चित तौर पर जीवन में सुख घटता जाए। और इसीलिए मैं आपको बताता हूं, समझ लेना, सुख शांति बढ़ाना हमारे हाथ में है निश्चित तौर पर, यदि हम थैंक्स गिविंग नेचर हमारा बना ले, हम ये तय कर ले कि धन्यवाद का भाव हम अदा करते चलेंगे, जिस जिसने हमारे लिए जो कुछ किया हो उसके लिए कहीं ना कहीं धन्यवाद की भावना हमारे भीतर बनती रहेगी, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। हमारे यहाँ लिखा गया कि और किसी को धन्यवाद करो न करो, प्रतिदिन चार व्यक्ति को, चार तत्वों को जरूर धन्यवाद करना। और किसी को करो न करो, लेकिन चार तत्व, चार व्यक्ति, चार वस्तु को प्रतिदिन नित्य जरूर धन्यवाद देना, और फिर देखो आपके जीवन में कितनी सुख शांति समृद्धि समाधि ये सब बढ़ता है, आपके जीवन में सफलता बढ़ती है। लेकिन कब? जब आपका नेचर थैंक्स गिविंग वाला नेचर हो। कहा पहला धन्यवाद प्रकृति को, जीवन की बहुमूल्य चीजें हमें पैसे से नहीं मिलती, प्रकृति से मिलती है। समझ लेना, आपकी तिजोरी में लाखों रुपए पड़े हो आप नहीं खा सकते, आपको खाना तो जो किसान के द्वारा खेत में उगाया गया अनाज है उसी को खाना पड़ता है। आप खरीद जरूर सकते हो लेकिन खा नहीं सकते। कहा सबसे पहला धन्यवाद प्रकृति को, प्रकृति से हमारा जीवन चलता है, प्रकृति हमारे जीवन को बनाती है, शायद प्रकृति हमें हेल्प करना छोड़ दे, हमारी सहाय करना छोड़ दे, हमारा जीवन खत्म हो सकता है। और इसीलिए ग्रेटिट्यूड का भाव, धन्यवाद का भाव, थैंक्स गिविंग नेचर जीवन में बड़ा जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रतिदिन रात को सोने से पहले ये काम जरूर कर, हर रोज रात को सोने से पहले ये चार तत्वों को, चार वस्तु को धन्यवाद जरूर देना, और फिर देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। पहला धन्यवाद किसको? प्रकृति को। आपको पता है हमारा जीवन तीन तत्वों से चलता है, भोजन, पानी और हवा। ये तीन हमारे जीवन में से निकल जाए हमारा जीवन शून्य हो जाए। आपके पास पैसे कितने हो, आपके पास गहने कितने हो, आपके पास कपड़े कितने हो, आपकी कोठी कितनी बड़ी हो, आपका घर कितना बड़ा हो, आपका फ्लैट कितना बड़ा हो, आपके पास गाड़ी कितनी महंगी हो, उससे जीवन नहीं चल सकता। जीवन तीन चीजों से चलता है, भोजन, पानी और हवा। यदि ये नहीं हो हमारे जीवन में हम 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। आदमी सांस को लिए बिना 10 मिनट शायद जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हर रोज रात को सोने से पहले ये चार व्यक्ति को धन्यवाद जरूर देना, ये चार तत्वों को धन्यवाद जरूर देना, इन चार को धन्यवाद जरूर देना। पहला धन्यवाद प्रकृति को। आपको पता है आपकी थाली में जो रोटी आती है, रोटी कहीं खेत में कोई किसान मेहनत करके उगाता है, उसको पकाता है,
उसको बनाता है, उसके पीछे आपकी एक रोटी के पीछे 2 महीने 3 महीने 4 महीने की मेहनत लगती है और तब जाके पूरी प्रोसेस होके रोटी आपकी थाली में आती है और वही आहार से हमारा जीवन चलता है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, समझ लेना, जीवन जीने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें, भोजन, पानी और हवा, और तीनों हमें कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। और इसीलिए रात को सोने से पहले पहला धन्यवाद प्रकृति को, दूसरा धन्यवाद परिवार को। समझना, इन 4 को धन्यवाद किए बिना यदि हम सो गए तो हम जीवन में कृतज्ञ कहलाएंगे। ये 4 के इतने अनहद उपकार हमारे पर है, हम सोच नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, पहला धन्यवाद प्रकृति को, दूसरा धन्यवाद परिवार को। आज आप यहां बैठ के धर्म आराधना कर सकते हो, आप तप कर सकते हो, आप त्याग कर सकते हो, आप दान कर सकते हो, आप आराधना कर सकते हो, आप सामायिक कर सकते हो, आप स्वाध्याय कर सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, आप दर्शन कर सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, ये किसकी बदौलत? कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट यदि आपके पीछे न हो तो आप कुछ नहीं कर पाते। चाहे आपका जीवन हो चाहे हमारा जीवन हो, परिवार से चलता है। एक साधु प्रवचन देता है तो दूसरा साधु गोचरी की व्यवस्था संभालता है, कोई पानी की व्यवस्था संभालता है, कोई भक्ति की व्यवस्था संभालता है। एक साध्वी जी भगवंत यदि प्रवचन देते हैं तो उसके पीछे अनेक साध्वी जी भगवंतों का योगदान होता है। पूरा मुकाम व्यवस्थित रखना, मुकाम की हर एक चीजें व्यवस्थित रखनी, हर एक की अलग अलग जिम्मेदारियां है। एक भी व्यक्ति जिम्मेदारी से चूकता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हर रोज रात को सोने से पहले अपने परिवार को धन्यवाद कि आज आपकी सहाय न मिलती तो शायद मैं व्यवसाय बराबर न कर पाता। आप ऑफिस से थके हारे घर आते हो, घर में गरम गरम खाना तैयार मिलता है, ये परिवार की ताकत है। आप बीमार हो गए, आपके आजू बाजू पूरी रात जाग कर बैठे रहते हैं, ये परिवार की ताकत है। आपको एक छोटी सी खरोच भी आ गई, पूरा परिवार उद्विग्न हो जाता है, चलो डॉक्टर के पास ले जाए, चलो ट्रीटमेंट कर ले, चलो उपचार करवा ले, ये परिवार की ताकत है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रतिदिन रात को सोने से पहले दूसरा धन्यवाद किसको? परिवार। और समझ लेना, परिवार के साथ साथ अपने खुद के शरीर को भी धन्यवाद दे। हम शरीर को भी धन्यवाद करें, हम रोज रात को सोने से पहले शरीर को धन्यवाद देते हैं कि आज पूरा दिन तू मेरा सहायक बन के रहा, तू मेरी हेल्प करी, तू मेरे सपोर्ट में खड़ा रहा। चाहे 12 घंटा काम करना पड़ा, चाहे 14 घंटा काम करना पड़ा, लेकिन तू मेरे साथ खड़ा था। इसीलिए समझ लेना, शरीर को भी धन्यवाद देना पड़ा, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, ये भी हमारा एक परिवार ही है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझ लेना, दूसरा धन्यवाद परिवार को। तीसरे धन्यवाद की बात है, पहला धन्यवाद प्रकृति को, दूसरा धन्यवाद परिवार को, तीसरा धन्यवाद परमात्मा। जब जब भी परमात्मा के पास जाए तो कंप्लेन की नोट लेकर के न जाए, थैंक्स गिविंग नेचर लेकर के जाए। ज्यादातर लोग यहां जितने भी बैठे हैं 99% भगवान के पास जाते हैं, हम हमारी कंप्लेन लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा वहीं पर रही है, मेरे पास क्या नहीं है। हमने कभी यह देखा ही नहीं कि मेरे पास क्या है, मुझे क्या मिल सका है, मुझे क्या प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर हमने कभी देखा ही नहीं है। इसलिए हमारी दृष्टि हमेशा कहां रही है, मेरे पास क्या है। सच कहना, मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन 32 में से एक दांत निकल जाए तो जीभ घूम फिर के कहां जाएगी, जहां दांत नहीं। अरे 31 बचे हुए हैं वो नहीं देखे, 31 अभी जीवंत है उसके ऊपर नजर नहीं जाएगी, लेकिन नजर जाएगी जीभ घूम फिर के वापिस। पूरा दिन कहां जाएगी? वहीं जाएगी जो दांत मौजूद नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, परमात्मा के पास जब जब भी जाओ, परमात्मा के समीप जब जब भी जाओ, परमात्मा के सामने जाकर के जब जब भी दो हाथ जोड़ दो, तो निश्चित तौर पर समझ लेना, हम वहां जाकर के शिकायत नहीं करेंगे, हम वहां जाकर के धन्यवाद करेंगे। परमात्मा तुम्हारा धन्यवाद है, मुझे जीवन में इतनी सारी चीजें मिली है, इतनी सारी चीजें मुझे जीवन में प्राप्त हुई है, परमात्मा तुम्हारा धन्यवाद। आपको पता है, जब जब भी भगवान के पास जाता हूं,
भगवान को जाकर के ये धन्यवाद जरूर देता हूं कि परमात्मा तुम्हारी इतनी बड़ी करुणा है कि ये गला अभी भी चल रहा है। शायद कुछ हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन परमात्मा को धन्यवाद करने का मन होता है, परमात्मा ये गला आपने हमें दिया जिससे शायद हम अनेक लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, जिससे शायद हम अनेक लोगों के ऊपर उपकारक बन सकते हैं, जिससे शायद हम अनेक लोगों को शब्द का दान कर सकते हैं। प्रतिदिन जाकर के परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके मन से भाव ये लाते हैं, परमात्मा तेरा अनहद उपकार है, ये संयम दिया परमात्मा तेरा अनहद उपकार है, ये गला दिया कि इसका हम सदुपयोग कर सकते। पहला धन्यवाद प्रकृति को, दूसरा धन्यवाद परिवार को, तीसरा धन्यवाद परमात्मा को। आज से तय कर लो कि परमात्मा के पास जब भी जाएंगे निश्चित तौर पर शिकायत का भाव लेकर के नहीं जाएंगे, रोते रोते नहीं जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे और परमात्मा को कहेंगे, अरे परमात्मा संसार में तूने मुझे जो दिया है शायद कोई नहीं दे सकता, शायद किसी से नहीं मिल सकता, तेरा तो धन्यवाद करे उतना कम है। और चौथा धन्यवाद परमार्थी को, जो जो जीवन में परमार्थ करता है उनको भी धन्यवाद। जहां जहां आपको पता चले कि किसी ने परमार्थ का काम किया, किसी ने कोई अच्छा काम किया, किसी ने कोई गुड वर्क किया अपने जीवन में, उसको जरूर धन्यवाद दे देना। एक चीज समझ लेना, धन्यवाद देने से हमारा जाता कुछ नहीं लेकिन मिलता बहुत कुछ। ये धन्यवाद की ताकत है। आपके जीवन में हर हमेश कामना करते हैं हमारे जीवन में सुख शांति बढ़ती रहे, हमारे जीवन में सुख बढ़ता रहे, सुख की वृद्धि होती रहे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, समझ लेना, जिस दिन आपका नेचर थैंक्स गिविंग नेचर बन गया, आपको जिस जिसने सुख दिया उसके प्रति आपके मन में धन्यवाद का भाव आने लग गया, उस दिन से समझ लेना आपकी हर चीज बढ़ती जाएगी। और जब तक हम स्वार्थी बनकर हमारा जीवन जिएंगे, जरूरत है वहां तक ठीक है, जिस दिन जरूरत खत्म हो गई उसके बाद हम थैंक यू कहने भी नहीं रुकते, उस दिन से समझ लेना हमारी सारी चीजें घटती जाएंगी। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, परमार्थी को भी धन्यवाद, जो जो जीवन में परमार्थ का काम करता है। सच कहना, आप जिस घर में रहते हो वो गली को जो साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी आता है उसको कभी धन्यवाद देने का मन हुआ? मैं रोज सुबह निकलता हूं तो मेरी गली को साफ करके रखता है, यदि न करता तो कितनी गंदगी इकट्ठी हो जाती, कितनी गंदगी हो जाती। हमारे मन में कभी ये भाव आए? जो आपके परमात्मा के जिनाले को साफ करता है उसके प्रति धन्यवाद का भाव आया? उसको जाकर के कभी पीठ थपथपाई, अरे यार तेरा बड़ा उपकार है, हम हर रोज सुबह आते हैं सारी चीजें तैयार, केसर घिस करके तैयार, पक्षाल का जल तैयार, हम तो शायद 7 बजे 8 बजे आते हैं, आप सुबह 4 बजे उठ करके काम पर लग जाते हो, हमने कभी धन्यवाद दिया? जो आपके उपासरे को साफ करता है, उपासरे को संभालता है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव आया? हम तो एक नौकर की तरह उसको ट्रीट करते हैं, एक बेकार आदमी की तरह उसको ट्रीट करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमार्थी को धन्यवाद, जो जो आपके उपयोग में सुबह से शाम तक आए हैं सभी को धन्यवाद करते चलो, क्योंकि जितना धन्यवाद देते चलोगे उतनी थिंग्स उतनी चीजें हमारे जीवन में बढ़ती जाएंगी। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझ लेना कि धन्यवाद देने से जाना कुछ नहीं है लेकिन पाना बहुत कुछ है। और एक ये भी चीज समझ लेना, धन्यवाद का भाव मन में न रखो, उसको प्रकट करो। कई बार हमारा यह होता है, महाराज जी हमने मन से अनुमोदना कर ली, इतने से नहीं चलता, उसको प्रकट करो, उसके सामने रखो, उसके सामने लाओ कि नहीं जबरदस्त काम तू कर रहा है, तेरा धन्यवाद जितना करे उतना कम है, शायद रास्ते के ऊपर रही हुई ट्रैफिक पुलिस हो, शायद आपके शहर में रहा हुआ डॉक्टर हो, शायद आपके शहर का कोई सफाई कर्मचारी हो, हर एक के जीवन में जाकर के एक बार धन्यवाद का भाव जरूर अदा करना। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना निश्चित तौर पर रोज रात को सोने से पहले 4 लोगों को धन्यवाद कर ही सोना। सबसे पहला धन्यवाद
प्रकृति को बहुत कुछ तुमने दिया है, दूसरा धन्यवाद परिवार को, बहुत कुछ तुमने संभाला है, तीसरा धन्यवाद परमात्मा को, बहुत कुछ तेरे से मिला है, और चौथा धन्यवाद परमार्थी को। ये चार को धन्यवाद किए बिना यदि हम सो जाएंगे तो हम कृतघ्न कहलाएंगे। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में सुख शांति बढ़ाना चाहते हो, एक ही फॉर्मूला है, थैंक्स गिविंग नेचर बना। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।